देखिए भारतीय जनता पार्टी से कड़वाहट नहीं कह सकते और सीधी सी बात यह है कि हम हमारा गुस्सा हमारे परिवार में निकाल सकते हैं मैं कह रही हूँ कि जहाँ 90 परसेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को हम दे रहे हैं तो हम किससे मांगे हम भारतीय जनता पार्टी से ही मांगेंगे क्योंकि हमारा मूल वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी से कुमार कुमार और पर समाज जुड़ा हुआ है तो हम किससे मांगे पर समाज पूरा यही चाह रहा है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने ये पूरे सरो समाज का निर्णय होगा और जहाँ पर हम लोगों को उचित लगेगा कि हमें यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए बिल्कुल हम हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे और आगामी दिनों में देखते हैं कि राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी किस करवट बैठती है जो हमारे विचारों से तालमेल खाएगा जिस करवट में बैठेगी तो बिल्कुल हम हमारे परिवार में पुनः जाएंगे नमस्कार जी सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत भो धन्यवाद कि जिन्होंने गांव ढाणी में पहुँच एक जो पिछड़ा समाज है उनकी सुध लेने की और राजनीति में उनका कितना हक बनता है कितना अधिकार बनता है उसके लिए आप एक जनता से रूबरू हो रहे हैं और पिछड़े हुए समाज के जो आप आवाज़ उठा रहे हैं चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है चुनावी माहौल क्या है आप अभी तक अगर हम नागौर की बात करें राजस्थान के नहीं क्यों जहाँ पर हम रह रहे हैं अगर हम नागौर की बात करें तो मुझे जहाँ तक लग रहा है फिलहाल कि दोनों पार्टियाँ ही उधेड़ बुन में लगी हुई है और धरातल पर जो है अभी तक चुनाव का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है हाँ आज के न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा था कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट का जो नामांकन के फार्म लिए जा रहे हैं उनमें थोड़ी आपाधापी मची हुई है लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो नागौर में अभी तक धरातल पर कोई तैयारी नहीं दिख रही है आप चार बार प्रदेश मंत्री के पद पर रही हैं फिर उसके बाद बीजेपी से अलग क्यों हुई दरअसल के राजस्थान में जो हमारी संख्या है एक बहुत अच्छी संख्या है तो राजस्थान में हम कम से कम पंद्रह सीटों पर अपना बाहुल्य रखते हैं चाहे वो जैतारण हो चाहे वो फुलेरा हो चाहे वो दाता रामगढ़ हो चाहे वो जयपुर ग्रामीण हो चाहे वो कोटपुतली हो चाहे वो मसूदा हो चाहे वो नावा हो ऐसी कई सीटें हैं जिन पर समाज अपना दम रखता है संख्या अच्छी है ऐसे ही कुछ राजनीतिक कारण थे जिनमें कि जो नावा सीट थी जो जैतारण सीट थी वो हमारे समाज से छीन ली गई और जहाँ तक हम बात करते हैं कि जो पुराने समय से चली आ रही थी आज से पारंपरिक सीट थी चाहे वो जैतारण थी चाहे वो नावा थी तो जो मूल रूप से हमारा 90 परसेंट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ समाज का रुख रहता है लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ समाज होते हुए भी जब इन सीटों से समाज का नाम काटा गया तो समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश था और उस आक्रोश के चलते ही समाज का ये फैसला था कि जो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग अब इस पार्टी के लिए कार्य नहीं करेंगे आ, कितना वोट है प्रजापत समाज का यहाँ पे नागौर लोकसभा की बात कर रहे हैं आप नागौर लोकसभा में लगभग एक अस्सी के आसपास एक लाख अस्सी हज़ार जी इतनी भागीदारी है फिर भी समाज पिछड़ा हुआ क्यों दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से वोट बैंक पर जब समाज रहा है और इसी कारण से कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ सोचती है कि ये हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है दूसरा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की शायद विचारधारा ये होगी कि यह समाज हमारे पास नहीं आने वाला है और दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ इनको वोट बैंक समझा इनको वोट लेने का ही एक साधन समझा और दोनों ही पार्टियों ने कुमार प्रजापत कुमार उस समाज को जितना प्रतिनिधित्व तो देना चाहिए वो नहीं दिया इसी कारण से और सबसे बड़ा जो कारण रहा कि जो ओ में जब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्रणी समाज है उनको शामिल किया है तो प्रजापत समाज पीछे खिसक गया और प्रजापत समाज बहुत बुरी तरह से पिछड़ गया प्रजापत समाज की सरकारी नौकरियों में क्या कुछ हिस्सेदारी है अगर आपको कुछ आइडिया हो जितना मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में भी क्योंकि ओबीसी में कुछ जो अग्रणी जातियां आ गई है ओबीसी में जब ये कुछ जातियां जैसे जाट वगैरह नहीं थे तब जो ओबीसी बी वर्क था ओबीसी बी वर्क में सबसे ज़्यादा जो मूल ओबीसी के लोग उनका प्रतिनिधित्व होता था जिसमें माड़ी खाती कुम्हार दर्जी नाई इनका प्रतिनिधित्व होता था लेकिन जैसे ही ओ में ये सक्षम जातियों को डाला तो जो पिछड़ा समाज था वो और पीछे चला गया अब बात आए चुनाव पर 2019 में आपने नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट आप लड़ी और उसके बाद विधायक सांसद आर से बने वो कहते हैं कि हम हर हर हाँ समाज को साथ लेकर चलते हैं तो फिर क्या ये सच है यहाँ पर अगर उन्होंने जीत दर्ज की तो क्या हर समाज को साथ लेकर चलते हैं देखिए आरएलपी का जीत का श्रेय तो कैंडिडेट को है और नए वो अगर ये बात कहते हैं कि सब समाज को साथ में ले चलते हैं इसका इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर थी देश में आर एल पी से जो नागौर सीट पे समझौता हुआ तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक समझौते के तहत ये सीट निकल कर आई है अगर उनका कैंडिडेट का वजूद होता तो इससे पिछले इलेक्शन में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उनके बीच में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तब भी वो जीत के आते अगर सब समाज उनके साथ होते ये जो मूल बीजेपी का जो वोटर वोट बैंक था जिसमें मूल ओ की कई जातियाँ और अन्य जातियाँ जो एक देश का नेतृत्व तो करने वाले हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो देख रहे थे और मोदी जी की जो लहर थी उसके कारण इनकी जीत हुई देखिए अब 2024 तो आएगा तब देखा जाएगा लेकिन अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव सामने है आरएलपी 200 सीटों पर दावा कर रही है लड़ने के लिए तो क्या कुछ माहौल उनके लिए दिखेगा अगर वो अकेले लड़ते हैं तो राजस्थान में हम भी घूमते हैं हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है हो सकता है कि उन लोगों को नज़र आ रही होगी अगर वो दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारी उनको अग्रिम शुभकामनाएँ हैं लेकिन जहाँ तक हम सोचते हैं तो शायद दो सीटों पर उनको प्रत्याशी भी मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी और हाँ जहाँ पर इनका है जैसे कुछ सीटें अगर जो इनकी है हम उसको नकार नहीं सकते जहाँ इनका है वहाँ होगा लेकिन 200 सीटों पर जो बात है वो बेबुनियादी बात है और धरातल पर अगर ये रहेंगे तो अच्छी बात है नहीं तो हो सकता है खुद की सीट भी खो दें आखिरी सवाल आर एल से जुड़ा हुआ अगर इनका धरातल पर कुछ नहीं है तो खीसर से लगातार जीतने की बातें हैं फिर नहीं हमने कहा ना हम ये नहीं कह रहे हैं धरातल पर हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इनका खुद का अगर घर है वहाँ पर ये ध्यान दे तो ज़्यादा ठीक होगा हम ये कह रहे हैं ना कि वहाँ के अलावा अगर ये 200 सीटों की बात करते हैं

एक तोज् दूंगी क्योंकि सुरक्षा की जो गारंटी गहलोत सरकार ने ली थी उसमें पूरी तरह से फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं चाहे आप वो भीलवाड़ा का भट्टी कांड देख लीजिए चाहे आप वो जोधपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चे के साथ बलात्कार का देख लीजिए चाहे वो पाली में पाँच महीने के बच्चे के साथ में बलात्कार देख लीजिए ऐसे सैकड़ों केस पिछले पाँच साल में राजस्थान में हुए हैं तो मैं महिला होने के नाते एक महिला की बात करूँगी कि जो सबसे पहले जो महिला को सुरक्षा नहीं दे सकता सारी चीज़ें बाद में है सबसे पहले अपनी सुरक्षा की बात होती है कि जान बची लाखों पाए तो अगर जब हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा ही नहीं कर सकते उसके बाद में जैसे इन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कही थी जो अभी तक नहीं हो पाई है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं बेरोजगारी है जो सरकारी भर्तियाँ हैं सरकारी भर्तियाँ है, कोई, है, कोई भी समय पर नहीं हो रही और जो हो रही है उनमें बच्चे इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि वो कहते हैं मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारा नंबर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नकल के बड़े बड़े गिरोह बैठे हैं तो बच्चों की तैयारी उनको हिम्मत उनकी टूट रही है तो जो बच्चों को रोज़गार नहीं दे पाए वैकेंसीज को समय पे पूरा नहीं कर पाए महिला को सुरक्षा नहीं दे पाए तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि पूरी तरह से गेलो सरकार ने प्रयास किया होगा लेकिन हमारे नज़रों में गेलो सरकार फैल रही है और आगे आने वाले समय में जो इनका हर्ष होगा वो आप सब लोग देखेंगे हम नागौर में लगातार कई गाँवों में गए हमने एक बात बहुत कॉमन सुनी कि नशे का कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही व नशे की तरफ भटके हैं और लोगों ने यह भी कहा कि राजनीतिक संरक्षण है इसीलिए नशे का कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्या कहेंगे आप मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि, कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो युवाओं को भरम में ला के भर में करके उनको और जो इस तरह से काम करवा रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि जो आग अगर पड़ोसी के लगी है तो कहीं ना कहीं वो खुद के घर तक नहीं पहुँच जाए ये अगर कहीं भी हो चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे दूसरा कोई भी हो अगर गलत कार्य है अगर बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहा है और हमने भी ये देखा है कि पिछले कई सालों से नागौर का नाम हमेशा पहले बढ़िया जिलों में लिया जाता था अच्छे लेकिन अभी जो ये नशे की चपेट में आ रहे है नशे की लपटे जो यहाँ नागौर तक आ रही है वो बहुत ही एक सोचने का विषय ये तो बात हो गई नशे के कारोबार को लेकर आपने विस्तार से बताया कि हाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन अब आए पिछले पाँच साल के कार्यकाल पर पाँच साल के कार्यकाल में यहाँ से विधायक बीजेपी से मोहन राम रहे अगर कुछ क्षेत्रों में और अधिकतर बीजेपी की सीटें हैं दो सीटें आर की फिर दो सीटें आपको कांग्रेस की हैं फिर उसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल हैं लेकिन नागौर में हम घूम रहे हैं तो सड़कों की बड़ी परेशानियाँ हैं फ्लाई ओवर की बड़ी दिक्कतें हैं क्या कुछ विकास नहीं हुआ देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नागौर में अभी बीजेपी के सिर्फ दो विधायक हैं छह कांग्रेस के हैं हैं। दो आरएलपी के तो बाहुल्य कांग्रेस का है तो कांग्रेस राज में नागौर को आप सब लोग घूम ही रहे हैं देख रहे हैं कि नागौर को क्या कुछ मिला है तो धरातल पर कुछ भी नहीं है दूसरा नागौर के दो अगर शहर की बात करें हालांकि पूरे जिले की बात करें नागौर शहर की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी के राज से हमने हम लोगों ने हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो दो ब्रिज का उद्घाटन किया था वो अभी तक आठ साल से लटके हुए पड़े हैं जनता को कितनी परेशानी हो रही है रही बात यहाँ के सांसद मोदे की जो बातें करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे कि उनके घर से आधा किलोमीटर दूर भी अगर आप जाएंगे देखा आप अगर उनके घर से आधा किलोमीटर दूर पूर्व में आधा किलोमीटर दूर अगर पश्चिम में भी जाएंगे तो वहाँ की क्या हालत हो रखी है बाकी जिले की और लोकसभा की बात तो अगर अपन करें